आज हम बात करेंगे एचआईवी से जुड़ी एक बार जोखिमी घटना से। क्या एचआईवी हो ही जाता है? आप क्या जानेंगे आगे इस वीडियो में। एक बार के असुरक्षित पॉजिटिव व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध से एचआईवी होने का खतरा कितना रहता है? एक बार से एचआईवी वाली सुई से लगने से एचआईवी होने का खतरा कितना रहता है? यदि कभी किसी को एचआईवी पॉजिटिव वाला खून चढ़ता है तो एचआईवी होने का खतरा कितना रहता है? और बिना इलाज एचआईवी पॉजिटिव माता से बच्चे में होने की संभावना कितनी रहती है? सबसे पहले हम देखेंगे एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से असुरक्षित शारीरिक संबंध से एचआईवी होने का खतरा कितना है। तीन किस्म के मैथुन होते हैं। एक है मुख मैथुन, दूसरा है योनि मैथुन और तीसरा है गुदा मैथुन। तीनों किस्म के मैथुन में एचआईवी होने की संभावना अलग अलग होती है। शारीरिक संबंध में दो किस्म के पार्टनर्स होते हैं। एक होता है इंसर्टिव पार्टनर्स, जो डालता है वो, और दूसरा होता है रिसेप्टिव पार्टनर्स, जो लेता है वो। तो इंसर्टिव पार्टनर्स और रिसेप्टिव पार्टनर्स के शब्द का मीनिंग आप पहले यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि दोनों में एचआईवी होने की संभावना अलग अलग होती है। सबसे पहले है मुख मैथुन। मुख मैथुन, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव कन्फर्म है और दूसरा पार्टनर नेगेटिव है। यदि नेगेटिव वाला पार्टनर इंसर्टिव है, मतलब डालने वाला है, तो उसको एचआईवी होने की संभावना 10,000 में से 0.5 यानी कि 20,000 में से एक बार होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसको पहले 20,000वीं बारी होगा और उसके आगे नहीं हो सकता। वो 20,000 में से एक बार होगा, लेकिन वो पहली बार भी हो सकता है, 1,000वीं बार भी हो सकता है, 10,000वीं बार भी हो सकता है और 20,000वीं बार भी हो सकता है। तो ये 20,000 में से किसी भी एक घटना में हो सकता है। आखिरी घटना में होगा ऐसा नहीं होता। 20,000 में से पहले से लेकर आखिर तक या तो बीच में कभी भी हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक बार मुख मैथुन से इंसर्टिव पार्टनर्स में एचआईवी हो ही जाता है ऐसा नहीं होता। होने की संभावना होती है और वो संभावना 20,000 में से एक है। बेसिक थियरी जो कंसेप्ट है वो यही रहेगा, सिर्फ इसके नंबर बदलेंगे आने वाली स्लाइड्स तक। यदि वो पार्टनर रिसेप्टिव है, मतलब लेने वाला है, तो उसको एचआईवी होने की संभावना 10,000 में से एक है। यहाँ पर हम मान लिया है कि एक पार्टनर कन्फर्म एचआईवी पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। आगे होगा योनि मैथुन। योनि मैथुन में इंसर्टिव पार्टनर्स को एचआईवी होने की संभावना 10,000 में से 5 है, यानी कि 2,000 में से एक है। रिसेप्टिव पार्टनर्स को, यानी कि लेने वाले को, एचआईवी होने की संभावना 10,000 में से 10 है, यानी कि 1,000 में से एक है। लेकिन जो वो एक घटना है वो कोई भी हो सकती है, पहली भी हो सकती है, आखिरी भी हो सकती है और बीच वाली कोई भी हो सकती है। तीसरा है गुदा मैथुन, जिसमें इंसर्टिव पार्टनर्स को, यानी कि डालने वाले को, एचआईवी होने की संभावना 10,000 में से 6.5 यानी कि 20,000 में से 13 है। और रिसेप्टिव पार्टनर्स, यानी जो लेता है वो, उसको एचआईवी होने की संभावना 10,000 में से 50 है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर तीनों किस्म के मैथुन देखे और तीनों मैथुन में दो अलग अलग पार्टनर्स देखे। अब आगे देखते हैं कि किसको ज़्यादा खतरा है। हमने तीनों केस में देखा कि रिसेप्टिव पार्टनर्स, यानी कि जो लेता है हो, उसको इंसर्टिव पार्टनर, यानी कि जो डालता है हो,
उसके सापेक्ष में लेने वाले को यानी कि रिसेप्टिव पार्टनर्स को एचआईवी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब तीनों किस्म के मैथुन में सबसे ज़्यादा खतरा किस में है और सबसे कम खतरा किस में है? सबसे कम खतरा मुख मैथुन में है, उससे ज़्यादा योनि मैथुन में है और उससे ज़्यादा गुदा मैथुन में है। अब आमतौर पर लोग ऐसा ही मान लेते हैं, मान लो कभी किसी ने किसी से सेक्स वर्कर से एचआईवी से सेक्स किया है तो वो लोग वैसा ही मान लेते हैं कि उसको एचआईवी होगा ही क्योंकि वो सेक्स वर्कर है। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कुछ अलग ग्रुप्स है, उसमें एचआईवी होने की संभावना कितनी है, यानी कि 100 प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसमें एचआईवी होने की संभावना 0.24, ठीक है, मतलब एक 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 का भी चौथा भाग में उसको एचआईवी होने की संभावना है। उसी तरह से मान लो कोई फीमेल सेक्स वर्कर है तो उसको एचआईवी होने की संभावना 100 में से डेढ़ यानी कि 1,000 में से 15 रहेगी। तो मतलब सिर्फ 1.5% फीमेल सेक्स वर्कर को एचआईवी होने की संभावना है, यानी कि मान लो कि बाकी की कैटेगरी में आते हैं 98.5 में तो आपको एचआईवी होने की संभावना ज़ीरो है, और मान लो 1.5% में आते हैं फिर भी आपको एचआईवी हो ही जाएगा ऐसा नहीं है। आपको यदि आपने वजाइनल सेक्स किया है तो एचआईवी होने की संभावना सिर्फ 2,000 में से एक है। तो कहने का मतलब बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी रखने की ज़रूरत है। हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, बिना कॉन्डोम कभी भी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्स ना करें, और यदि आपने गलती से कर भी लिया है तो बहुत डरे मत, चिंता ना करें, सही समय पर सही रिपोर्ट्स करा लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको एचआईवी है कि नहीं। और टेस्ट के बारे में यहाँ पर आई बटन्स पर दिख रहा वीडियो पर आप देख लीजिए कि कौन सी टेस्ट आपको कब करानी है। और मान लो कि आपने गुदा मैथुन किया है, MSM है, तो उसको एचआईवी होने की संभावना 2.6% है। ट्रांसजेंडर है तो 3% है, और यदि इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स है तो उसको 6% है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हर किसी को एचआईवी होगा ही, उनमें से भी कुछ को ही एचआईवी होगा और ज़्यादातर लोगों को एचआईवी नहीं होगा। तो हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नया निडल और सिरिंज का इस्तेमाल करें तो आपको एचआईवी होने की संभावना नहीं रहेगी और आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं कि यदि कोई इंसान एचआईवी ग्रस्त इंजेक्शन से नशा करता है, मतलब अपनी वेन यानी कि खून की नली में वो सीधा इंजेक्शन डालकर नशा करता है तो एचआईवी होने की संभावना 10,000 में से 67 यानी कि 67 है। यदि एचआईवी ग्रस्त सुई लग जाने से आपको, मान लो कोई हेल्थ केयर वर्कर है, स्टाफ नर्स है, डॉक्टर्स है, और या तो ऑपरेशन के टाइम्स यदि आपको कोई सुई लग जाती है, एचआईवी पॉजिटिव से इस्तेमाल की गई सुई आपको लग जाती है तो आपको एचआईवी होने का खतरा 10,000 में से 30 होता है। कहने का मतलब यह है कि एक बार एचआईवी पॉजिटिव निडल लग जाए तो एचआईवी हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, उसकी होने की संभावना है और वो संभावना 10,000 में 30 है। एचआईवी ग्रस्त खून चढ़ने से आमतौर पर आज के ज़माने में हाई टेक्नोलॉजी वाले युग में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि हर जो ब्लड डोनेशंस होता है उसका एचआईवी का टेस्टिंग होता है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से उसका टेस्टिंग होता है। तो आमतौर पर पिछले 10 दिनों को छोड़कर यदि डोनर्स को कभी एचआईवी आया है तो टेस्ट में पकड़ में आ जाएगा, तो वैसा ब्लड लेबोरेटरी से ब्लड बैंक है उसको डिस्कार्ड कर देती यानी कि फेंक देती, इस्तेमाल नहीं करती। तो एचआईवी रहित ही खून देते हैं, फिर भी कभी कभार हज़ारों में से एक बार या लाखों में से एक बार कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो इसने ब्लड दिया है
उसको पिछले 10 दिन के अंदर HIV मिला है, तो यदि वही खून लेबोरेटरी में ब्लड बैंक में जाएगा तो टेस्ट में नहीं दिखाया गया HIV है, तो वैसा खून किसी को चढ़ता है तो HIV होने की संभावना रहती है। लेकिन अब उसकी संभावना लाखों में से एक बार है, तो उससे आपको ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको डरने का नहीं है, खून ज़रूरत पड़ने पर आपको चढ़ाना है। HIV के डर से खून नहीं लेना वो भी योग्य बात नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो केस है कि मान लो HIV पॉजिटिव वाला खून है, वो किसी इंसान को चढ़ता है, तो भी हम आमतौर पर ऐसा मानते हैं कि 100% खून लेने वाले को HIV हो ही जाएगा, लेकिन उसकी संभावना भी 100% तक नहीं होती, वो भी 98% तक होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो खून लेने वाले में या तो खून देने वाले में, या तो उसका वायरल लोड कम होगा, या तो खून लेने वाले में कुछ एंटीबॉडी अच्छी होगी, या तो उसकी मात्रा कम होगी, तो कुछ कारण से 2% केस ऐसे होते हैं कि ऐसा खून चढ़ने के बावजूद भी कभी कभार इंसान को HIV नहीं होता। मतलब HIV ग्रस्त ब्लड, निडल या तो सेक्स से HIV हो ही जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वैसा 100% नहीं होता, होने की संभावना होती है। यदि किसी HIV पॉजिटिव माता से नया बच्चे का जन्म होता है और उसका इलाज नहीं कराते हैं, तो बच्चे को HIV आने की संभावना 30-40% रहती है। वो 3 स्टेज में HIV होने की संभावना अलग अलग रहती है। मान लो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर है, तब बच्चे को HIV होने की संभावना 5-10% होती है। डिलीवरी के टाइम या लेबर के टाइम माँ से बच्चे को HIV होने की संभावना 10-15% होती है, और माँ का दूध पिलाया जाए तो बच्चे को HIV होने की संभावना 5-20% होती है। यदि ये तीनों चीज़ की जाए तो बच्चे को HIV हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता, बच्चे को HIV आने की संभावना 30-40% होती है। यहाँ पर जो मैंने आपको परसेंटेज दिखाया वो बिना इलाज का है, माता का इलाज नहीं चल रहा है तो है, लेकिन माता का इलाज कराने पर प्रैक्टिकली हम बच्चों को HIV आता है ऐसा लगभग नहीं देखते। तो आप इलाज, माता का इलाज कराने पर माता भी सुरक्षित रहेगी, हेल्दी रहेगी, और आने वाला बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। अब बात करते हैं रिवीजन की। मान लो कि 10,000 HIV पॉजिटिव एक्सपोजर्स है, तो यहाँ पर कौन कौन से किस्म के एक्सपोजर है जिसमें 10,000 एक्सपोजर में से इतना खतरा रहता है, तो 10,000 में से 0.5 खतरा रहेगा इंसर्टिव ओरल में, 10,000 में से 1 खतरा रहेगा रिसेप्टिव ओरल में, 10,000 HIV एक्सपोजर के ऐसे कन्फर्म HIV पॉजिटिव HIV सामने वाला पार्टनर्स होगा, तब इंसर्टिव वजाइनल में खतरा रहेगा 5, इंसर्टिव एनल में खतरा रहेगा 6.5, रिसेप्टिव वजाइनल में खतरा रहेगा 10, HIV से दूषित सुई लगने से HIV होने का खतरा रहेगा 10,000 में से 30, रिसेप्टिव एनल में HIV होने का खतरा रहेगा 10,000 में से 50, और सबसे ज़्यादा रहेगा 10,000 में से 67 जो मींस के इंजेक्टेबल ड्रग यूजर्स है, जो खून की नली के अंदर ही सीधा नशाकारक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको खतरा रहेगा 67 यानी कि 67। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशंस सीधा अपने जीवन में लागू ना करें। इन्फॉर्मेशंस को लागू करने से पहले उसी बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेकर ही अपने जीवन में कोई चीज़ का इस्तेमाल करें, किसी जानकारी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।